हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं रश्मि हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं खाना खजाना बाय रश्मि में लेके आई हूँ मूली का अचार बनाने की विधि। अगर आप इस तरीके से मूली का अचार बनाओगे तो काफ़ी स्वाद आने वाला है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले ना, मूली को मैंने अच्छी तरीके से धुल लिया था और इसे गोल गोल कट कर लिया था, और फिर मैंने उसे सुबह से डाल दिया था धूप में सूखने के लिए। और जब शाम में मैं छत पे गई तो कुछ इस तरीके से दिख रहा था और ये अच्छी तरीके से सूख चुका था। अब इसे हम अच्छी तरीके से अचार बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो ना, जैसे मूली हम जब काटते हैं तो काफ़ी अलग तरीके से होती है, एकदम सफ़ेद होती है, लेकिन सूखने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाती है। अब इसका बनाएंगे टेस्टी वाला अचार। तो सबसे पहले ना, हम इसमें ऐड कर देंगे अचार का मसाला, और फिर इसमें जाएगा हल्दी पाउडर और लहसुन, जिसे मैंने ओखली में खूना हुआ था। फिर हम इसमें ऐड करेंगे धनिया। धनिया को मैंने अच्छी तरीके से भुना हुआ था और पीसा हुआ था। फिर इसमें जाएगा नमक। नमक हम डालेंगे स्वाद के अनुसार, जैसा आपको नमक पसंद है उस हिसाब से हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। अब फिर इसमें मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया हल्दी, क्योंकि जो अचार था मूली का वो थोड़ा ज़्यादा था और हल्दी की मात्रा इसमें कम लग रही थी। अब इसमें जाएगा हरा मिर्च। तो हरी मिर्च को मैंने ना मिक्सी में पीस लिया था। आप चाहो तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हो, बट आप ना हरी मिर्च के साथ ट्राई करोगे ना, बहुत अच्छा जाने वाला है। और फिर इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। तो अगर आप तेल को गरम करने डालना चाहो तो तेल को गरम करके भी डाल सकते हो, या आपको नॉर्मल तेल यूज़ करना है तो नॉर्मल तेल भी डाल सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें जाएगा नींबू का रस। तो अगर आप चाहते हो ना सिरका डालना तो सिरका भी डाल सकते हो, बट नींबू बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि मूली का अचार ना जब आप स्टोर करके रखोगे तो खाने में मज़ा नहीं आता है। मूली का अचार तुरंत बनाओ और बस दूसरे दिन से खाना स्टार्ट कर दो और जल्दी जल्दी ख़त्म कर दो। बड़ा मज़ा आता है इसे खाने में, क्रंची क्रंचनेस जो रहती है ना वो बहुत अच्छी लगती है खाने के साथ। तो बस सारे मसाले ऐड हो गए हैं, और मिर्ची ऐड हो गई है, और नींबू भी ऐड हो गया है, ढेर सारा खट्टा वाला, और सरसों का तेल भी ऐड हो गया है। अब हम इसको मिला लेंगे अच्छी तरीके से, और इसे धूप में रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि सरसों का तेल तो हमें कच्चा खाना भी पसंद होता है, और अगर आपको कच्चा खाना नहीं पसंद है तो आप इसे गर्म करके डाल दो, बट गर्म करो और फिर इसे ठंडे होने के लिए रख दो। जब अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तब फिर इसका बनाओ अचार। तो भी आप देख रहे हो ना, ये अचार बन के रेडी हो गया, और इसमें मसाले वाव कितनी अच्छी तरीके से दिख रहे हैं, और काफ़ी अच्छी तरीके से ढेर सारा मसाला भी लगा हुआ है इसमें। अब हम इसे डब्बे में भर लेंगे। तो मेरी मम्मी अचार ना काफ़ी अच्छा बनाती हैं, और मैं भी अचार अच्छा बनाती हूँ, बट मम्मी के जैसा नहीं बनाती हूँ मूली का अचार। तो ये अचार मम्मी ने बनाया है और मैंने भी सीखा है। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ अपनी वाली रेसिपी शेयर करूँगी, और इस बार मम्मी वाली रेसिपी। तो बस इस तरीके से मूली का अचार बनाओ, खाओ, इन्जॉय करो, और पसंद आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।